कैसा सीन है बताया, वो जो वो बोला ना गाली का, तो कैसा सीन है कि वो पिकाडो आए थे, और नॉर्मली हम लोग जब स्ट्रीम देखते हो गए हमारी किसी की भी, मतलब हम लोग थोड़ा गालियां फ्रीक्वेंटली देते हैं बंदे को मारने के बाद, वो हम सीधा उसको बंदे के लिए नहीं बोलते, हमारे मुंह से निकलता है। और आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा प्लेयर होगा जिसने आज तक किसी प्लेयर को गाली ना ही नहीं दी होगी। और रही बात कि रियल लाइफ की, तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगा, इन गेम वाला और आउट ऑफ द गेम पूरा अलग सीन है मेरा। इन गेम कोई भी राइवल हो, कोई भी कैसा भी हो, कैसा भी झगड़ा हो, आउट गेम मेरे को कोई मिला तो मैं उसको भाई जैसे ही करता हूँ। मेरे को जेन्युइनली बताओ तो मेरे को जॉनी भी मिला था उस दिन बाहर कहीं पे, तो मैं जाके बात किया। मेरे को कमलजीत पाजी मिले, मैंने उनसे जाके बात की, सब भाई अपने। पर इन गेम अगर मैं किसी को मार के गाली दे रहा हूँ, इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम। अगर कोई मैं और प्लेयर को देता तो इतना बड़ा इशू नहीं होता, इतना बड़ा इशू नहीं होता, तो मेरे को नहीं लगता। क्योंकि जो जो लोग पहले बहुत पहले से खेल रहे हैं, उनको आइडिया है कि बंदे मारने के बाद कैसे कोई गाली देता है, ठीक है। एंड मैंने क्या बोला तुम लोग को याद है, मैं चूतिया बोल दिया था गुस्से में। अगर तुमको फिर भी बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी। तो बट वही सीन है कि रियल वर्ल्ड में मेरे सब दोस्त है, बट मैं इन गेम अगर किसी को गाली दे रहा हूँ मार के, अभी कल को मैंने मैडमैन को मार दिया, मैं मैडमैन को बोला भर दिया मैडमैन को, बट मैडमैन को पता है वो गेम में रेज के हिस्से बोला मैं, वो वैसा कोई सीन नहीं है, तो वैसा सीन है। और रही बात और की, तो देखो हम लोग अगर ना खुश नहीं रहते ना, तो हमारे पास बहुत ऑफर है, बहुत, हम कहीं भी जा सकते हैं, तो हम लोग खुश है इसलिए हम इधर है, नहीं तो कहीं और होते हैं। तो यही बोलना चाहूंगा कि कुछ भी रूमर्स पे बिलीव मत करो, ठीक है। और इन गेम और आउट गेम बहुत डिफरेंट है, जैसे वो बोला कि आउट गेम तू हमसे अच्छे से बात करता है, मैं सबसे आउट गेम अच्छे से बात करता हूँ, मैं सबसे अच्छे से बात करता हूँ और मैं सबसे अच्छे से बात करूंगा, क्योंकि इन गेम और आउट गेम बहुत अलग है। बस और क्या, और कुछ?